अभी हम बात कर रहे हैं दवाई के साथ जो परहेज करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो क्या रहता है। इसमें 5 पॉइंट्स मेन रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डाइट, जो 70-80% हेल्प करता है एलर्जी को ठीक करने में। दूसरा रहता है पेशेंट को रेगुलर डेली 3 लीटर से ज़्यादा पानी पीना है। अगर पेशेंट का वजन 60 kg है, यानी पर kg 50 ml से ज़्यादा पानी डेली पीना है। ये करने से क्या होता है, बॉडी में जो एलर्जी के कण रहते हैं, जो एलर्जी के इम्यूनिटी रहती है, वो पूरा धीरे धीरे करके क्लियर होने लगती है मेडिसिन के साथ, ये ज़्यादा पानी पीने से। तीसरा जो पेशेंट को है वो है रेगुलर 30 मिनट एक्सरसाइज करना है। और चौथा है 30 मिनट ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, जो बहुत ज़रूरी है। विटामिन D3 और कई सारे ऐसे हॉर्मोन्स बॉडी में बनते हैं जब हम सनलाइट प्रॉपरली एक्सपोजर डेली लेते हैं और एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तब। 7 घंटे का प्रॉपर नींद मिलना, ये 5वां पॉइंट है। जब कोई पेशेंट ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी डाइट, वाटर, एक्सरसाइज, सनलाइट एंड स्लीप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तब इम्यूनिटी का जो इम्बैलेंस है वो अपने आप बैलेंस में आने लगता है। और 3 महीने दवाई के साथ जब बैलेंस कंटिन्यू क्रिएट होता है तो एलर्जी पूरा क्योर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अभी हम बात करेंगे 4th पॉइंट में कि ये डाइट का जो पार्ट है उसमें क्या चीज़ें नहीं खाना है और क्या चीज़ों का केयर रखना है।